नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो अब फाइनली आपके CHSL 2020 और CGL 2020 के प्री एग्जाम्स यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो लास्ट सेशन मैंने जो आपका चैप्टर वाइज का लिया था वो मैंने 9 जुलाई को लिया था, जिसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस को पढ़ा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका था। तो हमारा जो फाइनल बचा है, अब हमें सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट को पढ़ना है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बीच में मैंने आपको कई प्रैक्टिस सेशन कराए और अब आपको यहाँ पर मैं आपका चैप्टर वाइज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब जैसा कि आपके एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब आपको अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, तो हमारे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मेंस तक जाएगा और मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न को भी जानना होगा, जिसके लिए जो लेटेस्ट यहाँ पर एग्जाम कराए गए हैं वो आपके CGL और CHSL के यहाँ पर कराए गए हैं। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि CGL 2020 की जब आंसर किया जाएगी और CHSL 2020 की आंसर की आ चुकी है, तो सभी क्वेश्चंस के सेट यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। तो वो मैं आपको सारे पेपर यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा, तो उनसे हमारी प्रैक्टिस हो पाएगी और जो लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी हम यहाँ पर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, आज से हम अपने चैप्टर वाइज को फिर से स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता होगा, जब आपका कोई भी धन किसी रेट पर दिया जाता है, तो मान लीजिए अगर वो आपका 25% पर दिया गया है तो एक साल में उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो एक साल में वो अमाउंट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। फिर वो आपका स्क्वायर होता रहता है अगर आपके 2 साल हैं, क्यूब हो जाएगा अगर 3 साल है, तो यहां पर फर्स्ट ईयर के बाद आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 से 5, तो सेकंड ईयर के बाद वो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, 16 से 25, और थर्ड ईयर के बाद वो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, 64 से 125, वो आपका यहां पर हो जाएगा। तो बस यही चीजें आपको यहां पर सीखनी है। अब इसमें जो आता है, इसमें कहा जाता है कि अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल है, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल बनाने के लिए आपको ये 125 दिया हुआ है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 125 हो गया, इसको आपने 25 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको आपने 25 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपकी हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी 125 रुपए की यहां पर बन जाएगी। और जब आपने इसको मल्टीप्लाई कराया तो यहां पर ये 100 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये 80 हो गया, और ये आपका 64 दिया हुआ है। जब आप इन सभी को यहां पर जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 244 निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका टोटल अमाउंट निकल कर आया, जिसके आपको 3 इंस्टॉलमेंट बनाने थे, 3 इंस्टॉलमेंट आपको हर एक इंस्टॉलमेंट 125 रुपए की यहां पर बनानी थी। तो आप 3 साल में अपने इंटरेस्ट के साथ उस अमाउंट का यहां पर भुगतान कर देंगे। तो आपको इंस्टॉलमेंट में सिर्फ इस चीज का यहां पर ध्यान रखना होता है कि आपने यहां पर 1 साल में अमाउंट 4 से 5 हुआ, 2 साल में 16 से 25 हुआ, 3 साल में 64 से 125 हुआ, और हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू का यहां पर बराबर करना है। तो जो ऑपरेशन यहां पर लगाया जाएगा वही ऑपरेशन यहां पर लगाया जाएगा और ये आपका टोटल अमाउंट निकल कर आ गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हमें करने हैं, और अगर कोई और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होगा तो वो चीजें हम यहां पर क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बोरोज रुपीज 4000 एट 10% पर एनम एंड प्रोमिसेस टू पे रुपीज 1200 एवरी ईयर इफ ही विश टू फिनिश ऑल हिज डेब्ट इन थर्ड ईयर, देन व्हाट अमाउंट ही हैज टू पे इन द थर्ड ईयर। यानी कि उसने 2 साल तो 1200 रुपए दिए होंगे, थर्ड ईयर के लास्ट में उसे यहां पर देने होंगे कितने रुपए, वो आपको बताना है अगर वो कर्ज मुक्त होना चाहता है। यानी कि उस आदमी ने लिए थे 4000 रुपए, वो भी 10% के चक्रवर्ती ब्याज पर। तो यहां पर 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर यहां कुछ अमाउंट लिया गया। तो अब आपको पता है कि फर्स्ट ईयर के बाद वो अमाउंट यहां पर कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। 10 की वैल्यू आपकी कितनी है, 4000, यानी कि 400 टाइम्स,
तो इसका 400 टाइम्स आपका कितना आ जाएगा, 4400 यहां पर हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर यहां पर खत्म होता है और फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 1200 रुपए लौटा दिए। तो अब आपके पास कितने बचे, 3200 रुपए आपके यहां पर बचकर आ गए। फिर से आपका इस अमाउंट पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा और अब आपका यहां पर सेकेंड ईयर के बाद वो अमाउंट 10 से 11 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 10 की वैल्यू इसका 320 टाइम्स है, तो इसका 320 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, 3520 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसने इस 3520 में से भी 1200 रुपये वापस कर दिए, तो अब आपके पास यहाँ पर कितना बचकर आया, 2320 आपके पास यहाँ पर बचकर आ गया। सेकेंड ईयर यहाँ पर आपकी खत्म हो गई। अब आपका यहाँ पर 2320 का आपका फिर 10 से 11 हो जाएगा। 10 की वैल्यू आपकी इसकी 232 टाइम्स है, तो इसका 232 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, 232 यानी कि आपका 2552 यहां पर हो जाएगा। तो फाइनली अगर उसे 3 साल के अंत में अपने आप को कर्ज मुक्त कराना है तो 2552 रुपए उसे लौटाने होंगे और वो कर्ज मुक्त यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि उसने हर साल इतने रुपए दिए तो फाइनली कितना चुकाए कि वो कर्ज मुक्त आपका हो जाए। 4000 लिए थे 10% पर, 10 से 11 हुए पहले साल में, पहले साल के अंत में 1200 रुपए दे दिए तो 3200 बचे, फिर 3200 पर 10% लगा तो अब आपके 3520 हो गए, जिसमें से उसने 1200 फिर लौटाए तो 2320 बचे। अब इस 2320 पर फिर आपका तीसरे साल में इंटरेस्ट लगेगा और फाइनली आपको 2552 रुपए इंटरेस्ट के साथ हो जाएंगे। तो अगर वो 3 साल के अंत में 2552 रुपए चुका देता है तो वो आपका इंटरेस्ट यहां पर कर्ज मुक्त हो जाएगा, वरना आपको यहां पर फिर से 1200 देने होंगे और फिर आपका 1 साल के लिए और इंटरेस्ट लगेगा और ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही कह दिया गया था कि उसको तीसरे साल के अंत में कर्ज मुक्त होना है तो कितना अमाउंट उसे चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बोरोज रुपीज 4800 फ्रॉम अ बैंक एट 12 to 1/2% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज रुपीज 1800 एज अ पार्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, हाउ मच डज ही स्टिल ओ टू द बैंक आफ्टर 3 such installments। यानी कि एक आदमी ने 4800 रुपए 12.5% के चक्रवर्ती ब्याज पर लिए और हर साल के अंत में वो 1800 रुपए जो उसने अमाउंट लिया और जो उसका इंटरेस्ट बनता है उसको मिलाकर हर साल वो 1800 रुपए दे रहा है, तो 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अभी भी वो उस पर कितना कर्जा बैंक का बचा हुआ है। तो हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमने लिया कि 4800 रुपए उसके पास हैं, 12.5% पे लिए, यानी कि आपका अमाउंट 1/8 यहां पर इसका 12.5% का 1/8 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है। तो आप फर्स्ट ईयर का देखेंगे तो आपका अमाउंट 8 से यहां पर 9 हो जाएगा। तो पहले साल के बाद आपका अमाउंट 8 से 9 हुआ, यानी कि 8 की वैल्यू आपकी इसकी कितनी है, 600 गुना, तो इसकी 600 गुना आपकी कितनी हो जाएगी, 5400 यहां पर आपकी हो जाएगी। यानी कि पहले साल के अंत में आपका 4800 रुपए आपके 5400 रुपए बन गए, लेकिन उसने 1800 रुपए यहां पर चुका दिए तो आपके पास यहां पर 3600 रुपए बच जाएंगे। अब जो आपका इंटरेस्ट लगेगा फिर से आपका 10 से 11 लगेगा और आपका इंटरेस्ट अब आपका 3600 रुपए पर लगेगा। तो 3600 रुपए पर लगने के लिए ये अमाउंट फिर से 8 से 9 होगा और ये इसका कितना गुना है, ये इसका 450 टाइम है, तो इसका 450 टाइम आपका कितना हो जाएगा, 4050 यहां पर हो जाएगा। अब इस 4050 में से फिर से 1800 रुपए चुका दिए गए, तो 1800 रुपए चुकाने के बाद 0, 5, 10 में से ऐड जाएंगे 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 2250 रुपए अब आपके यहां पर बच गए। अब आपके 2250 रुपए फिर से आपके यहां पर 8 से 9 होंगे, तो आपके यहां पर 2250 रुपए को फिर से 8 से 9 करना है, तो ये आपका यहां पर कितने गुना है, 8 × 16 = 6 = 22, यानी कि 8 × 8 = 64, और अब आपका यहां पर कितना बचा, 1,
तो आपका 8 एकम 8 और फिर 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 281.25 टाइम्स हमें इसको करना है। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 एकम 9 2 11 और 9 8 72 और 1 73, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 और 7 25 आपका यहाँ पर हो गया। अब इसमें से भी उसने कितने रुपए लौटा दिए, 1800 रुपये लौटा दिए, तो यहाँ पर आपके पास 1 3 15 में से 8 गए 7, तो अब उसने 3 इंस्टॉलमेंट 1800 रुपये की दे दी, तो तीसरे साल के अंत में अभी भी 731.25 रुपये उसके पास बैंक का कर्जा बचा हुआ है, जिसमें इंटरेस्ट और आपका मूल यहां पर राशि भी आती है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था और फाइनली आपका आंसर 731.25 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन बोरोज रुपीज 42,000 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच ही हैज टू पे एनुअली एट द एंड ऑफ ईच ईयर टू सेटल हिज लोन इन 2 ईयर्स। यानी कि उसने जो लिए 42,000 रुपये यहाँ पर उसने उधार लिए 10% के रेट पर, और ये उसे 2 साल की इंस्टॉलमेंट पे चुकाना है, ईच इंस्टॉलमेंट इज एनुअली, तो उसको यहाँ पर कितना रुपए चुकाना पड़ेगा टू सेटल हिज लोन इन 2 ईयर, हर साल उसे कितना रुपए यहाँ पर चुकाना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ पर हमें पर ईयर सेम इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, तो हमारा यहाँ पर अमाउंट खत्म हो जाएगा। तो आपका पहले साल के अंत में अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, और दूसरे साल के अंत में यहाँ पर 100 से 121 हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि 2 साल के बाद अमाउंट आपका 100 से 121 हो जाता है और पहले साल के बाद 10 से 11 हो जाएगा। अब हमें इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बराबर करनी है, तो इसको हमने 11 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी हमने 11 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो पर इंस्टॉलमेंट हमारी 121 रुपये की हमारी ईच इंस्टॉलमेंट निकल कर आ गई। तो हमारी ईच इंस्टॉलमेंट 121 रुपये की होगी, कब, जब हमारा टोटल अमाउंट ये 110, यानी कि 210 हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पर है, तो हर इंस्टॉलमेंट 121 रुपये की होगी और 2 इंस्टॉलमेंट आपको चुकानी है और आप यहाँ पर कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तो 210 की जो आपको वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर, 200 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगी। तो 200 के मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो आपको यहाँ पर 24200, यानी कि आपको यहाँ पर 24,200 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, फिर 24,200 रुपये की दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी और आपका यहाँ पर लोन सेटल हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर जो है किस्तों को बराबर करना होता है, और लास्ट वाली में जब आप पर ईयर कुछ ना कुछ दे रहे थे तो आपका इंटरेस्ट भी उसी अमाउंट पर लग रहा था जो पर ईयर के देने के बाद बचा हुआ है, यहाँ पर आपका इंटरेस्ट टोटल पे लगेगा। तो ये 110 हो गया, ये 100 हो गया, यहाँ पर आपका 121 है, यहाँ पर आपका 121 है, यानी कि पहले बार में आपके पास 110 अमाउंट था वो आपका 121 हुआ, फिर बचा हुआ 100 था वो 121 हुआ, और 210 की वैल्यू 42,000 है, तो 24,200 की वैल्यू आपकी यहाँ पर इतनी हो जाएगी। जब जब आपको यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना होता है तो आपके ये अमाउंट यहाँ पर धीरे धीरे घटते रहते हैं और आपका यहाँ पर लोन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ₹5250 इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट CI, फाइंड ईच इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 14.28%। यानी कि आपने यहाँ पर जो लिए 5,250 रुपये लिए और आपको 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर चुकानी है, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट ईयरली आपको देनी है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पर लग रहा है 14.28%, जिसको आप 14.27% या 1/7 लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में करते ही आपका आंसर यहाँ पर निकल के आने लगेगा। तो अब पहले साल के अंत में अमाउंट 7 से 8 होगा और दूसरे साल में 49 से 64 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को चुकाना है। तो पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट यहाँ 64 है और पहली इंस्टॉलमेंट भी 64 होगी, यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो अमाउंट ईच इंस्टॉलमेंट आपका 64 का हो जाएगा, और जो आपका टोटल अमाउंट है वो कितना है, 8 × 56 प्लस 49 यानी कि 9 × 6 = 15, 5 × 4 = 9 और 1 = 10, यानी कि 105 रुपये आपका यहाँ पर टोटल अमाउंट है और ईच इंस्टॉलमेंट आपकी 64 रुपये की यहाँ पर बन रही है। तो ये इसका कितने गुना है, ये इसका 50 times है, तो इसका 50 times आपका कितना हो जाएगा, 3200, यानी कि 3200 रुपये की एक इंस्टॉलमेंट और 3200 रुपये की दूसरी इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे तो 5250 रुपये प्लस इंटरेस्ट के साथ आप लोन मुक्त हो जाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका पहला अमाउंट दूसरे अमाउंट से हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट पर आपको ज़्यादा यहाँ पर लगाना पड़ता है इंटरेस्ट। तो आपने 56 रुपये पर यहाँ पर 64 रुपये इंटरेस्ट लगा, फिर 49 रुपये पर आपका 64 रुपये इंटरेस्ट लगा, तो आपके धीरे धीरे जो आपका मेन अमाउंट है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका घटता रहता है और आपकी इंस्टॉलमेंट समान रहती हैं, तो इस हिसाब से आप यहाँ पर लोन मुक्त होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ बिल्डर बोरोज रुपीज 1912.5 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाय द एंड ऑफ 2 years इन 2 equal ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट बी। यानी कि जो बिल्डर ने लिए, बिल्डर ने 1912.5 रुपये उधार लिए, वो भी 4% के रेट पर, और उसे ये राशि 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में चुकानी है और इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड है। तो यहाँ पर 4% की वैल्यू 1/25 हो जाएगी, यानी कि पहले बार में अमाउंट 25 से आपका कितना होगा, 26 होगा, और दूसरे बार में 625 से 676 आपका हो जाएगा। लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट करनी है बराबर, तो यहाँ पर भी आपने 26 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी आपने 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी 676 रुपये की है, तो ये आपकी ईच इंस्टॉलमेंट है, और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 650 तो 5, 7 और 6, 6, 12, यानी कि 1275 की वैल्यू आपकी कितनी है, 1275 की वैल्यू आपकी 1912.5 है, 676 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 676 × 1912.5 अपॉन आपका यहाँ पर 1275, पॉइंट हटाया, यहाँ पर एक जीरो लगा दी। अब हम इसको काट लेंगे 25 से, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 25 × 5 = 125, 2 बचा, 25 × 1 = 25, 0, और यहाँ पर आपका कितनी बार जाएगा, 25 × 7 = 175, 175 और 5 आपका 180 और 11, यानी कि आपका अभी भी 16 यहाँ पर बचा हुआ है, तो 16 यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 162, यानी कि 16 तो 25 × 150 और 25 × 5 = 125, अभी आपका ये 765 आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमने फिर से 5 से काटा, तो 5 × 5 = 5, 0, 5 × 2 = 10, इसको 5 से काटा तो 5 × 5, यहाँ पर 2 बचा, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, ये आपका बचा कितना, 102, और यहाँ पर जो आपका निकल कर आया ये आया आपका 153। अभी ये 3 से चला जाएगा, तो 3 से गया 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3, 3 से ये गया 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 34 बार ये आपका चला गया, 17 से आपका जाएगा 3 बार, 17 से जाएगा 2 बार, 2 से इसको काट लिया तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, अब 338 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 × 11 = 11, 3 × 3 = 9 और 1 = 10, यानी कि ईच जो इंस्टॉलमेंट आपकी निकल कर आई 1014 की आपकी यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट निकल कर आ गई। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन करी और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है और जो यहाँ पर ऑपरेशन लगाया वो यहाँ पर लगाएंगे और टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ मैन परचेज अ स्कूटर विद कैश पेमेंट ऑफ ₹24,000 एंड रेस्ट अमाउंट टू बी पेड इन 2 equal इंस्टॉलमेंट ऑफ 10143 एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर। यानी कि एक आदमी ने 24,000 रुपये तो कैश पेमेंट किया और 10,143 रुपये की उसने यहाँ पर 2 किस्त यहाँ पर बनवाई, जो कि आपके 5% के इंटरेस्ट पर यहाँ पर बनाई गई, यानी कि 5% की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 5% आपका 1/20 होता है, तो पहले साल में यहाँ पर 20 से 21 हुआ
और दूसरे साल में 400 से 441 हो गया, लेकिन आपकी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर आपने 21 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 21 से मल्टीप्लाई कराया, तो टोटल अमाउंट आपका यहाँ पर ये 420 हो गया, तो 400 और 420 आपका 820 हो गया, और हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी 441 रुपये की हो गई, यानी कि 441 रुपये की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको 10,143 दी हुई है, और हमें 820 की वैल्यू को यहाँ पर निकालना है। तो 820 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 820 की वैल्यू हो जाएगी 820 इंटू 1,143 अपॉन में आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 441 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। बस हमें इसको 21 से काट लेना है, तो 21 से 21 बार जाएगा, और 21 से आपका कितनी बार जाएगा, 21 पंजे 105 होता है, तो 21 से गया 4 बार, 21 चौका 184 आप 21 चौका 84 आपका यहाँ पर हो गया, तो अभी आपका कितना बचा, अभी आपका यहाँ पर 17 बचकर आ गया, तो अब आपका ये कितना हो गया, ये अब आपका 174 हो गया, तो अब आपका ये कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 7 times में, तो 7 times में आपका कितनी बार में जाएगा, 8 times में आपका कितना हो जाएगा, 21 का 8, तो यहाँ पर आपका 168 हो जाएगा, तो ये अब आपका जाएगा 8 times में, क्योंकि अभी आपके पास बचा हुआ है 174, तो आपका यहाँ पर कितनी बार चला गया, 168 आपका यहाँ पर चला गया, 14 में से हट गए 6, तो फाइनली आपके पास जो बचकर आएगा वो 63 बचकर आएगा, और 21 से 3 बार चला जाएगा, 21 या 63 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको इसको फिर से यहाँ पर 21 से काट लेना है, क्या ये 21 से चला जाएगा, तो 21 दुनी 42 यहाँ पर आपका हो जाएगा, और 21 या 63 यानी कि 23 बार ये आपका चला गया। अब आपको 820 और 23 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लेनी है, तो 820 और 23 की मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर कराएंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका हो गया 3 × 6, और ये आपका हो गया 8 × 3 = 24, ये 4 और 8 × 3 = 16, तो यहाँ पर आपका 6881 यानी कि 18860 आपका निकल कर आ गया। अब आपको ये अमाउंट इसमें जोड़ देना है 18860, तो ये आपका 6 8 8 4 12, और ये आपका 42,860 रुपये का आपका स्कूटर निकल कर आ गया। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, और जो मैंने आपको बताया वो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और टोटल अमाउंट आपने जोड़ दिया तो आपका 42,860 रुपये का स्कूटर की कीमत निकल कर आ गई, जो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सम ऑफ रुपीज 8,000 इज बोरोड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपके 8,000 रुपए 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए गए, और 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में आपको उनको चुकाना है, तो 8,000 आपसे यहाँ पर लिए गए, 5% की वैल्यू आपकी 1/20 होती है, तो पहले साल के अंत में अमाउंट 20 से 21 होगा, दूसरे साल के अंत में 400 से 441 होगा, और तीसरे साल के अंत में 8,000 से 9261 आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये 20 का स्क्वायर, ये 20 का क्यूब, 3 साल का केस है, ये 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब, क्योंकि 3 साल का केस है। तो अब हमने ईच इंस्टॉलमेंट को बराबर बनाने के लिए यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा दिए, तो अब आपके यहाँ पर जो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो 9261 है, और यहाँ पर 8,820 8,400 8,000 यहाँ पर आपका आ गया, तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट आपका यहाँ पर 25,220 रुपये, आपका 8,000 की वैल्यू है, तो 9261 की वैल्यू निकालनी है, तो 9261 इंटू 8,000 अपॉन आपको करना पड़ेगा 25220। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 2937.67। तो बस अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, और ऑप्शन ए यानी कि आंसर 1 आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। सिर्फ अब आपको इसमें कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना, बाकी यहाँ पर जो होना था वो हो गया, कैलकुलेशन करेंगे और आपका ऑप्शन ए आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था CGL 19 के मेंस में, अ लोन इज टू बी रिटर्न इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 5808, देन फाइंड द इंटरेस्ट चार्ज इन दिस स्कीम। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपके 10 से 11 आपके पहले बार में अमाउंट हुआ,
दूसरी बार में आपका 100 से यहां पर 121 यहां पर अमाउंट हो गया। और आपसे यहां पर कहा गया है कि ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है, ईच इंस्टॉलमेंट आपकी 5808 है, तो आपका यहां पर टोटल इंटरेस्ट कितना लिया गया। तो ये आपका फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है, तो आपकी जो ईच इंस्टॉलमेंट है 5808 है, यानी कि 121 की वैल्यू आपकी यहां पर 5808 है, तो यहां पर इंटरेस्ट आपका कितना लिया गया, इंटरेस्ट आपका 21 लिया गया, तो 21 की वैल्यू आपकी 5808 इंटू आपकी 21 अपॉन में 121। तो बस इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है, तो 11 से 11 बार में जाएगा, 11 पंजे 55, यहां पर आपके 30 बचे, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 से ये चला गया, 11 चौके 44, और अब आपका यहां पर कितना बचा, 11 अठे 88, तो 48 इंटू 21 आपको यहां पर करना है, तो 48 दूनी 96 यानी कि 960 और 48 तो 8 6 4 10, तो सेकेंड ईयर में जो आपका इंटरेस्ट आया 1008 आया। अब आपकी ये वाली वैल्यू भी 5808 के बराबर है, तो यहां पर आपके ने कितना इंटरेस्ट दिया, एक दिया, तो 11 की वैल्यू 5808 है, तो एक की वैल्यू आपकी 5808 अपॉन में 11 यानी कि 11 पंजे यहां पर 528 आपका यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल जो आपका इंटरेस्ट बनकर आया 1008 और 528 यानी कि 8 8 16, 5 2 1 3 5 1 यानी कि 1536 रुपए का टोटल इंटरेस्ट आपका यहां पर बनकर आ गया। यहां पर हमने इसको बराबर नहीं किया, बल्कि जो यहां पर इंटरेस्ट बन रहा था, क्योंकि 121 आपका अमाउंट था ईच इंस्टॉलमेंट का, तो यहां पर इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की है, तो ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 121 में से 100 को घटाया, 21 आपका इंटरेस्ट है, ये 11 आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है और एक इंटरेस्ट है, तो एक हमने इंटरेस्ट निकाल लिया जो कि 528 आया, दोनों को जोड़ दिया और आपका टोटल इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आ गया। तो इस तरीके से जब आपसे इंटरेस्ट पूछा जाए, इंस्टॉलमेंट आपको दी जाए, तो आपको इनको बराबर करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहां से इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया है, अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न इन टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ रुपीज 6760 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, हाउ मच द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन। यानी कि अब जो आपका अमाउंट है यहां पर, ईच इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है, 6760 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम दिया गया है, लेकिन आपसे जो इंटरेस्ट करवाया गया है यहां से हाफ ईयरली कंपाउंड कराया गया है, यानी कि इंटरेस्ट अब आपका 4% रह जाएगा, तो 4% की वैल्यू आपकी 1/25 होती है, तो यहां पर पहली बार में अमाउंट 25 से 26 हुआ, दूसरी बार में 625 से 676 आपका हो गया, तो इसकी वैल्यू 676 की वैल्यू आपकी 6760 के बराबर है, यानी कि 10 टाइम्स है, तो यहां पर आपका इंटरेस्ट कितना बना गया, 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गए 5, यानी कि जो आपका सेकेंड टाइम में इंटरेस्ट बना वो 510 रुपए का बना, यहां पर आपका 6760 है, यानी कि ये इसका 260 टाइम्स है, तो ये आपका यहां पर 1 इसका यहां पर केवल इंटरेस्ट बनेगा, तो इंटरेस्ट आपका यहां पर कितना बनेगा, 260 यहां पर इंटरेस्ट बना, तो 260 को जब हम 510 में जोड़ देंगे तो आपका यहां पर 770 यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो मेंस में आपके 18 में और 19 में ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि आपकी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इतनी है, तो अब आपको बताना है कि इंटरेस्ट आपका कितना होगा, तो यहां पर हमने इसको 25 से 26 ही रखा, यहां सेकंड टाइम के बाद इसको 625 से 676 कर दिया, यहां पर इसकी वैल्यू इतनी है और यहां पर इसकी वैल्यू इतनी है, हमने इन दोनों को बराबर यहां पर नहीं किया और आपका यहां पर इंटरेस्ट का हमने निकाल दिया कि इंटरेस्ट आपका टोटल कितना पेड किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने इन दोनों को बराबर ना करते हुए, इंस्टॉलमेंट आपने बराबर लिया, यहां भी इतनी है यहां भी इतनी है, लेकिन आपका अमाउंट अलग अलग है, पहले साल के लिए अमाउंट आपका अलग है, दूसरे साल के लिए अमाउंट आपका अलग है, तो आपने यहां पर टोटल इंटरेस्ट को यहां पर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रमेश बोरोड रुपीज 21630 विच टू इज टू बी पेड इन थ्री इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट
इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 40/3% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यानी कि रमेश ने 21630 यहां पर अमाउंट लिया और 40/3% पर यहां पर अमाउंट लिया गया और यहां पर जो है इंटरेस्ट आपको तीन बार का टोटल तीन इंस्टॉलमेंट आपको देनी है और इंस्टॉलमेंट आपकी हाफ ईयरली है और आपका इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली कंपाउंड किया गया है। लेकिन ये पर ईयर का है, इसको आधा करा तो 40/3 × 2 और ये आपका 20/3% रह गया, जिसको हमने 20/3 को यहाँ पर 100 से कर दिया डिवाइड, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका 1/15 निकल कर आ गया। यानी कि आपको 1/15 पे अब इंटरेस्ट लगाना है। तो पहले साल के बाद अमाउंट 15 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दूसरे साल के बाद यहाँ पर 225 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 256। तीसरे साल के बाद 33/75 से आपका कितना हो जाएगा, 40/96 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो अब आपको तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर करनी है, तो इसको करा 16 से मल्टीप्लाई, इसको करा 256 से मल्टीप्लाई, इसको 256 से, इसको 16 से, तो बस अब आपको इनको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेना है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 × 30, तो ये आपका 3000, 15 × 5 = 75, तो ये आपका 750, 15 × 6 = 90, तो ये आपका कितना आ गया, 9×5 = 14, 3840, तो ये अमाउंट आपका कितना है, ये आपका 3840 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो 16×2 = 32, फिर 16×2 = 32 और 16×5 = 80, तो ये 0, ये 0, 6 और ये आपका 3600 यहाँ पर निकल कर आ गया। यानी कि 3840 प्लस 3600 और प्लस 3375, तो टोटल 5, 7, 4, 11, 8, 6, 14, 4, 18 और यहाँ पर 3, 3, 9, 1, 10, यानी कि 10,815 आपकी यहाँ पर वैल्यू हो गई, जो कि इसकी यहाँ पर 2 गुना है। तो इसकी भी आपकी 2 गुना, यानी कि 40/96 का जब आपने 2 गुना किया तो 2×2 = 18, 1×19 = 4×8, तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी 8,192 रुपये की यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो बस कैलकुलेशन आपको यहाँ पर करनी थी। ये आपका पर एनम दिया हुआ था, इसको हाफ ईयरली करा, 15 से 16 हुआ, 15 से 16, 225 से 256, 33/75 से 40/96, तीनों इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर बराबर कर लिया, यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल लिया जो कि दिया हुआ था उसका यहाँ पर हाफ था, तो इसको आपने यहाँ पर डबल किया, तो यहाँ भी इसको डबल करा और आपका आंसर निकल कर यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्सन बोरो सम मनी एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही डिपॉजिटेड 8,470, एट एंड द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही क्लियर इज डेबिट बाय पेइंग 13,310, व्हाट वाज द अमाउंट ही बोरोड। तो ये वाला क्वेश्चन आपका उसी कॉन्सेप्ट पर है जैसा हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर किया था। यानी कि 10% पर जब वो लिया गया तो पहले साल के अंत में यहाँ पर 10 से 11 हुआ, यहाँ पर कुछ अमाउंट दे दिया गया, फिर बचे हुए पर यहाँ पर 10 से 11 लगा, फिर जो यहाँ पर है आपका यहाँ पर कितना दे दिया गया, 8,470 दिया गया, और फिर उस बचे हुए पर फिर से आपका अमाउंट 10 से 11 यहाँ पर हो गया। यानी कि हर साल आपका 10 से 11 यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आपने इतना देकर अपने आपको कर्ज मुक्त कर लिया, यानी कि 11 की वैल्यू अगर इतनी है तो 10 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 1, 2, 1, यहाँ पर आपकी कितनी हो जाएगी, 1,210 आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अब इस 1,210 को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको आपने यहाँ पर कितना कर दिया, 1,210, ये जाएगा 1,210 के टाइम्स में जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, इतना निकल कर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ देंगे, तो आपने यहाँ पर इसको जोड़ दिया 0,0,1,2,1, तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, आपके पास अमाउंट आ गया 20,570। यानी कि इतना अमाउंट आपके पास था जिसमें से आपने इतना दे दिया, तो इतना आपके पास यहाँ पर बचकर आ गया। अब ये 11 की वैल्यू है, फिर से आपने यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाल ली, तो 11 की वैल्यू जब यहाँ पर कितनी है, तो 11 × 11 बचे कितने यहाँ पर, 9, 11×8 = 88 बचे कितने, 7, 1,870 यहाँ पर आ गया, तो ये आपका 1,870 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आपकी 1,870 है, जो कि आपके पास यहाँ पर अमाउंट बनकर आया था, लेकिन आपने अमाउंट देना कितना शुरू करा, आपने सेकेंड ईयर के बाद दिया, तो ये आपकी 11 की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू आपकी 17,000 यहाँ पर निकल कर आ जाएगी।
तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट पहले क्वेश्चन में लगाया था वही यहां पर लगाया हुआ है, बस यहां पर हमने इसको रिवर्स किया। वहां पर हमें अमाउंट दिया हुआ था, हमने हर साल निकालने के बाद कितना उसे देना चाहिए ताकि 3 साल के अंत में वो कर्ज मुक्त हो जाए, यहां पर उसने इतना इतना जमा किया, तो हमें यहां पर बताना था कि कितना अमाउंट उधार लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गीता बोरोज 1 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड क्लियर द डेब्ट इन 3 ईयर। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट एंड ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ईयर टू क्लियर द डेब्ट आर 34,800 एंड 44,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट वाज द अमाउंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यानी कि 1 लाख रुपए उधार लिए गए 10% के ब्याज पर, तो पहले साल के अंत में यहाँ पर 10 से 11, दूसरे साल के अंत में भी 10 से 11 और तीसरे साल के अंत में भी 10 से 11, क्योंकि हर साल हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं और इंस्टॉलमेंट आपकी अलग अलग है, तो अमाउंट आपका यहां पर 10 से 11 होता रहेगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है 44,000 रुपये की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 38,400 रुपये की, तो 44,000 यहाँ पर दिए गए, तो आपका यहाँ पर आप लोन सेटल आपने कर दिया और हमें बताना है कि फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पर आपका कितना दिया गया होगा। तो 11 की वैल्यू 44,000 यानी कि 4,000 टाइम इसके है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट 40,000 रुपये आपका रहा होगा। ये 40,000 रुपये यहाँ पर बचे, तो हमने 40,000 को इसमें जोड़ दिया, तो आपके पास यहाँ पर टोटल कितना बनकर आया था, यहाँ पर आपके पास 78,400 बनकर आए थे इंटरेस्ट के साथ। तो अब हमने यहाँ पर जब इसको लगाया तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 11 छक्के 66, 11 77 आपका यहां पर निकल कर आ गया। तो अब ये आपका जो यहां पर है ये आपका 34,800 यहां पर दिया हुआ है, तो ये आपका यहां पर 34,800 होगा। तो 34,800 में आपको 40,000 जोड़ने पड़ेंगे, तो 34,800 में 40,000 जोड़े तो ये 4 3, तो अब आपका यहां पर बनेगा ये 11 छक्के 66 और 11 88, यानी कि 6800 गुना आपका ये है, तो यहां पर अमाउंट आपका 68,000 रहा होगा। अब ये आपका यहां पर 68,000 आपके पास था, उसके 68,000 यहां पर आपके पास बचा, लेकिन अमाउंट आपके पास कितना था, अमाउंट आपके पास 1 लाख था, जो कि बढ़कर आपके पास कितना हो गया 1 लाख, यहां पर 10,000 आपका बन गया होगा, जिसमें से आपने 68,000 दे दिए थे, तो आपने यहां पर कितने दिए, तो यहां पर 0 0 0 3 0 से 3 0 यहां पर आ गई, 10 में से 8 गए 2 और यहां पर 10 में से 6 गए 4, यानी कि यहां पर आपने 42,000 रुपये चुकाए होंगे, तब कहीं जाके आपने इन इंस्टॉलमेंट पे अपने आपको कर्ज मुक्त कराया। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, 10% का ब्याज लगा, तो 10 से 11 यानी कि 1 लाख रुपए एक साल के बाद 1,10,000 हो गए, उसमें से आपने 68,000 बचा लिए, 42,000 जो आपने दे दिए जो आपको यहां पर निकालना था, तो 68,000 फिर आपके यहां पर 68,000 एक साल के बाद कितने हो गए, यहां पर आपके हो गए, फिर उसमें से आपने यहां पर जो है कुछ अमाउंट दे दिया, फिर आपके पास 40,000 बचे, फिर आपने यहां पर 44,000 दे दिए और आप यहां पर फाइनली लोन मुक्त हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से करना है, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें आपको सभी इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है, इनमें आपको इंस्टॉलमेंट दी होती है, तो हर साल आपको 10 से 11 लेकर चलना होता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही, अब आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली खत्म हो चुका है, अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा मेंस लेवल को छूकर जाएगा और हम मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी वहां पर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल बटन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।